हमारे साथ ऋषभ है. ऋषभ आजा भाई. ठीक है, वी हैव आचल. आचल प्लीज. एंड वी हैव डायना. कम ऑन. तो भाई लोग, सच्ची में ये लोग हीरो है इस मूवी के. ठीक है, एंड वी हैव ऋषभ एंड वी हैव ऋषभ एंड वी हैव शिवम. शिवम एंड ऋषभ, मेरे को एक बात बताओ. सिंस यू आर द ओल्डेस्ट ऑन द सेट्स एज द हीरोज, ठीक है, तो जब मूवी में काम कर रहे थे एंड यू वर वर्किंग विद सनी पाजी, सो हाउ वॉज द एंटायर थिंग दैट वॉज गोइंग ऑन? दिमाग में क्या चल रहा था यार, बिकॉज फुल 90s के एरिया से तुम लोग निकले हो. यू सीन सनी पाजी एंड देन यू वर्किंग विद हिम, तो कैसा था? वेल ऑनेस्टली आई हैव बीन अ फैन ऑफ सनी सर. लाइक ऑल द मूवीज आई हैव सीन इज लाइक दामिनी घाटक, एवरी मूवी, एंड आई एम अ फैन ऑफ घायल ऑल्सो. सो इट वाज अ प्लेजर लर्निंग फ्रॉम हिम फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, ग्रेट एक्सपीरियंस. And Shivam, how was it with you? I mean, honestly, he's one of the most intense actors I've ever seen in my life. So to be directed by somebody as amazing as that, it was one hell of an experience. What else can you ask for as an actor? Awesome. And Achal, let's ask you a question. आपसे पूछते हैं. So entire working experience with these guys, with Diana and Sunny sir, sets पे कैसा मजा आ रहा था? It was very friendly with all three of us. We've actually evolved as friends. With sir, yes, I used to always look up to him because जो sir intensity के साथ आपको बताते हैं, मतलब you really feel like doing it. कि सनी सर ने कर दिया, बस ऐसे ही कर दो. तो शॉट के बाद I would just look up to him कि हाँ सर ठीक है, ओके. सर की अप्रूवल. या बट देन सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड इट वॉज रियली नाइस, फ्रेंडली. ऑसम. एंड सिंस इट्स घायल, वंस अगेन हमको मालूम है कि इस मूवी में एक्शन होने वाला है. सो एक्शन करते समय क्या था, पूरे दिमाग में क्या चल रहा था? पूरे दिमाग में वाज लाइक ओ शिट, अभी अभी हो जाएगा, अभी गिर जाएंगे. अभी वी हैड साइकिलिंग शॉट्स एंड मैं और शिवम कर रहे थे, तो चोटें लग रही थी रियल की, वो दर्द आ रहा था बार बार. सनी सर को देख के सनी सर वो स्माइलिंग, हाँ चल अच्छा हो गया, मेथड एक्टिंग सर, गुड गुड स्टफ. सो सेट्स पे जब तुम्हारा जो मूवी जो है, ठीक है, एंड व्हेन इट गोज इट एडवांसेस, एक टाइम आता है जहां आप सनी सर को बुलाते हो. Okay, so sets pe in character when you were there, so how you used to address Sunny sir, ki Ajay Mehra karke bulate the, Sunny baji karke bulate the, Sunny sir karke bulate the, to ek bar character mein Sunny sir ko awaaz laga do to shayad wo podium pe aa jaye. Call Ajay sir. Hello, hello Ajay sir. So Ajay sir jaldi aa jao, we need you so much. So we need you badly sir. We need you so fast. And that's how Ajay Mehra. सर एक सवाल आपसे भी. ऑल राइट, सवाल यही है सर कि बच्चों को पहली बार डायरेक्ट किया है, ठीक है, सो हाउ वाज दिस एंटायर थिंग दैट वाज गोइंग ऑन, कि बच्चों को डायरेक्ट करना है, डराना नहीं है, तो वो पूरे दिमाग में क्या चल रहा था? ये फिल्म है जिसने मुझे काफी थका दिया है. एक्चुअली मुझे अभी पता चला ये फिल्म करते हुए कि मम्मी पापा मेरे साथ क्यों परेशान हो जाते थे. बट नहीं, इट वॉज रियली फन. बच्चे, मैंने इनकी ऑडिशन की थी इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया था, एंड दे हैव लिव्ड अप टू देयर कैरेक्टर्स व्हिच इज देयर इन द फिल्म. और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं. बस मैं इनको खासकर इन लड़कियों को कहता रहता था, मेकअप मत लगाओ बिकॉज ऑफ बच्चियां. Otherwise, it has been a great journey. और ये पूरी फिल्म अभी मेरी ख़त्म हो गई है from creative point of view. और ये मेरी पूरी एक टीम थी जिसके साथ मैंने ये पूरी फिल्म ख़त्म की है. अब आगे मुझे एक और टीम चाहिए जो आप लोग हैं, बिकॉज ये टीम मुझे अभी आगे लेकर जाएगी ताकि मैं अपनी फिल्म को पर्दे पर लेकर जाऊँ, जनता तक पहुँचूँ, और उनको आप वहाँ लेकर आएंगे. बाकी तो फिर मेरी फिल्म बोलेगी मैंने अच्छा काम किया या गंदा. Thank you very much. That's all I want from you all. So, sir, aap hi trailer ka unveiling kar dijiye. So, why don't you just ask the dada to play the trailer and then we can all watch it together. So, let me sit down. मैं एक्चुअली कहूँ सबसे टफ प्रोडक्शन होती है. नहीं, एक्चुअली बात क्या, कुछ भी करो, कहाँ भी जाओ, जो भी करो, जब व्हेन यू आर सपोज टू बी द लीडर ओवर देयर बीइंग अ डायरेक्टर, दैट्स व्हाई, तो जिम्मेदारियाँ बहुत हो जाती हैं. और एज अ डायरेक्टर यू वांट योर विजन टू कम अक्रॉस राइट, तो उसके लिए फिर से
प्रोडक्शन के ऊपर झगड़े होते हैं कि ये चाहिए क्यों नहीं हो रहा, एंड देन अगेन कमिंग बैक टू द क्रिएटिव साइड एंड देन कमिंग बैक टू द एक्टर्स, फिर एक्टर्स के ऊपर जो मेहनत करनी पड़ती है, जैसे डायरेक्टर्स मुझ पर मेहनत करते थे, तो उसमें काफ़ी एनर्जी निकल जाती है, बट मज़ा आता है क्योंकि बिकॉज एंड ऑफ द डे जो हम बना रहे हैं वो निकल कर आ रहा है लाइक एन आर्टिस्ट, लाइक अ पेंटर, जो भी कहें हम इसे. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम रियली वेरी हैप्पी विथ माई फिल्म, बिकॉज जो मैंने सोचा था, जो मैंने चाहा था, वो मुझसे शायद बन गया है. शायद पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन बन गया है. एंड इसके बाद बस यही कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा और मैं नहीं कुछ कर सकता. सनी सर, रिलीज डेट बार बार बदली जा रही, क्या कारण है? आप इतने अच्छे टाइम पे आ रहे थे सेंटर में. हाँ, नहीं बदली नहीं जा रही है, वो क्या है, एक स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है कि ये तारीख को आ रहे हैं, ये तारीख को आ रहे हैं. दैट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन आवर इंडस्ट्री. डेफिनेटली मेरी कोशिश तो थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं आ जाऊँ. दिवाली वॉज अ गुड टाइम विच आई कुड रियली टारगेट, लेकिन देन अगेन यू नो क्रिएटिव वर्क और कितनी चीज़ें करते करते जुड़ते जुड़ते बहुत वक्त लग जाता है, स्पेशली विद स्पेशल इफेक्ट्स. मैं नहीं चाह रहा कि मेरी फिल्म ऐसी मैं लगा दूँ, मैं देखूँ अच्छी तरह से, इन्जॉय करूँ और फिर उसे रिलीज करूँ. मैं चारों युवा एक्टर्स से भी जानना चाहूँगा कि जब आपको पता चला सनी देओल की फिल्म में आप काम करने वाले, कोई पर्टिकुलर डायलॉग है जो आपका पसंदीदा है और आप इनके सामने आज कहना चाहेंगे, क्योंकि इतने दिनों तक आप भीतर छुपा के रखे होंगे, चारों अपने अपने तरह से करके. I think everybody's favorite dialogue and especially Sunny sir's. अगर हम सच के साथ हैं तो जीतने तक हार नहीं मानेंगे. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. As you can see from the poster, उस 2.5 kilo के हाथ का सहारा ले रहे हम, तो we were not scared of it. We were in love with it. Sunny sir, over here, towards. First of all, congratulations, the trailer looks excellent. So my question is, you have roped in Hollywood action director Dan Bradley for the choreographing the action scenes, and even they look stunning on the screen. So could you say something about the action in the film? See, I had started my career with films like Betab, then Arjun, and then it followed on with that kind of cinema because I believed in that cinema. So then I decided, and I was thinking कि अभी मैं बीच में इतनी सारी इस तरह की फिल्में की हैं, लेकिन I've lost my roots which I used to love doing. और that's उसी reason से मैं director बना इस फिल्म में वापस. And definitely action is very important. And आज मैं देख रहा हूँ, जिससे भी देख रहा हूँ वो उस तरह का action कर रहा है जो मैं बहुत बार कर चुका हूँ. एक को मारो तो 10 आदमी उड़ के वहाँ यहाँ से वहाँ जाने थे, उंगली के इशारे से भी चले जाते हैं, यू नो. सो वो सब बहुत हो गया. तो मैंने कहा नहीं, आई मीन वो मैंने ही कहीं गलती से शुरू कर दिया, मुझे बंद करना होगा. और सो जितने भी हमारे यहाँ एक्शन कोऑर्डिनेटर्स हैं सब अच्छे हैं, लेकिन दे हैव ऑल लॉस्ट दी के हम अभी एक्शन क्या करना क्या चाहते हैं. एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी लाउडर एंड लाउडर. तो इसीलिए मुझे देन Hunted around, और मुझे डैन ब्रैडली अच्छे लगे क्योंकि उनकी जो फिल्म उन्होंने की है, जब मैं उनके साथ काम किया, इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर बिकॉज ही इज जेन्युइनली रियली अ क्रिएटिव गाय. एंड इस फिल्म में बिकॉज ऑफ हिम एंड बिकॉज ऑफ आवर कॉन्सेप्ट टुगेदर वी बीन एबल टू ब्रिंग आउट रियालिटी एज मच एज पॉसिबल. एंड सो यू नो सिंस दिस इज इन अ रियलिस्टिक स्पेस, विल देयर बी अ म्यूजिक, व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक विल बी देयर इन दिस फिल्म? I have got good songs, I would say. Basically, एक गाना है जो पिक्चराइज किया बच्चों के ऊपर, because it has to relate to the kids. So मेरा गाना ही उसी तरह से है, and I'm hoping that if it relates to kids, it'll relate to us also, because हम भी बच्चे एक दफा थे. So फिलहाल अभी मेरे पास इस वक्त है नहीं, but as time goes by, मैं post करूँगा, then we'll have a thing for that also, because like I said, अभी आप मेरी team है, तो मुझे आप बताओगे क्या एक चीज़ पहले, दूसरी चीज़ बाद में, क्या कैसे, किस चीज़ को लेकर आऊँगा. एंड मैं आपकी सुनूंगा और आप मेरी सुनेंगे. सनी जी ऑन योर सेंटर हियर, कंग्रेचुलेशन फॉर द ट्रेलर. ट्रेलर लुक्स ऑसम. माय क्वेश्चन टू यू इज, सर, यू हैव फेस्ड मेनी डिफिकल्टी व्हाइल मेकिंग दिस फिल्म एंड व्हाइल यू नो स्क्रिप्टिंग द फिल्म. व्हाट वाज द वन थिंग दैट केप्ट यू, यू नो, यू हैव टू मेक द घायल वंस अगेन, अ सीक्वल ऑफ घायल. व्हाट वाज द वन स्पिरिट दैट यू वांट टू नेम इट और यू वांट टू डिफाइन इट?
आई थिंक दैट्स समथिंग व्हाट आई एम बेसिकली, यू नो, मैं एक चीज़ पे लग जाता हूँ फिर हटता नहीं हूँ. आगे जाके नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन जब तक मैं उसे वहाँ तक ना पहुँचा दूँ तो मैं आई डोंट स्टॉप. सो दैट इज समथिंग विच अच्छी है या बुरी चीज़ है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन दैट्स समथिंग विच आई हैव. ओके, यंगस्टर्स के साथ आपने, मतलब इनके साथ काम किया है, डेब्यूटेंट्स के साथ आपने काम किया, तो आपको कभी अपने अर्जुन के डेज आपको याद आते थे जब आप इनके साथ शूट करते थे या इनको डायरेक्ट करते थे? हाँ डेफिनेटली, बिकॉज आई हैव, इसमें मैंने जो कैरेक्टर्स बच्चों के लिए हैं, बिकॉज मैं चाह रहा था कि 17 साल के बच्चे हों और उनकी जो, बिकॉज आज की दुनिया में जितने भी बच्चे हैं और जब हम भी थे, तो वो एक उम्र होती है जहाँ एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट, और ब्लैक एंड वाइट मीन्स लॉट्स ऑफ अर्जुन्स. सो दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर बच्चों के बीच में, दैट्स हाउ आई हैव दीस फोर किड्स विद मी. सनी हियर, लिपिका, हाउ आर यू? I'm fine, Lipika. Were you a strict director or a lenient director? Halla pande se tusi? Halla hula ta mainu na pata nahi, because I look like as if I shout a lot and I scream a lot. But usse kya ho jata hai, kaam kharab ho jata hai. So I was very patient. That's what I've understood doing films, is to be as patient, because then dimag kahin aur chala jata hai, jo cheez karne ja rahe ho wo bhul jata hai aadmi. So I'm sure they, the kids will also agree with that. Yeah, he's very obviously. Obviously, he was very sweet. कोई चिल्ला पुकार नहीं था. बहुत प्यारे थे. Sir is very calm. Like what you see on screen, वैसे नहीं है. अच्छा सनी. Okay, सनी जी अपने बेटे को कब लॉन्च कर रहे हैं आप? टॉपिक पे जा रहे हैं. आई थिंक घायल वंस अगेन के बारे में रहे तो बेटर है. तो मैं चाहता हूँ अपने बेटे के बारे में बात करूँ, पर आज नहीं, फिर मेरे को कोई नहीं देखता. मुश्किल ये हो जाती है कि मैं जो दूसरों से करवाना चाहता हूँ वो खुद से करवाने में मुझे दिक्कत होती थी, लेकिन मेरी जैसे कहा टीम बहुत अच्छी थी, तो वो टीम के साथ मैं कर पाया जो करना चाह रहा था. खबरें तो बहुत कुछ थी लेकिन वो है नहीं, शी इज नॉट देयर इन दिस फिल्म. ये चारों देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये फिल्म पहली वाली जो थी, दैट वाज पोर्ट्रेड अजय मेहरा व्हेन ही वाज 25-27, जो उसकी उम्र थी उस वक्त, एंड ही वाज अ यंगस्टर, तो उस वक्त की जो उस सिचुएशन थी, तो द फिल्म वाज मेड विद हिज प्रॉब्लम्स इन लाइफ, हिज फैमिली, और चीजें इससे बिछड़ रही हैं. अब मैंने लिया कि आज 2015 में अजय मेहरा क्या कर रहा होगा. सो डेफिनेटली आई बीन बेसिकली, मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं इस फिल्म में 2015 को दिखाऊं, और जो हम हैं आज, और अगर अजय मेरा है इस सोसाइटी में, तो वो इस तरह से होगा. चारों बच्चे लोगों से मैं पूछना चाहूंगी जो हैं यहाँ पर यंगस्टर्स. yeah, sure. ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक डायरेक्टर जो है वो डायरेक्ट कर रहा और बहुत ही काम रहे, कभी कोई सनी को गुस्सा आया हो और आप लोगों ने वो झेला और आप लोग डर गए, क्योंकि सनी देओल की आवाज ही काफी होती है. नहीं, आप somebody said कि सर बिल्कुल अपोजिट है, ही इज वेरी काम एंड ही इज वेरी पेशेंट, बट आई अग्री विद यू, डायरेक्टर समटाइम्स टेंड टू लूज देयर कूल, बट सर को पता था दैट अगर मुझे बच्चों के साथ काम करना है, आई विल हैव टू हैव पेशेंस, एंड There's never been any ruckus or any hush-hush situation on the sets. He's always been cool and calm. The most important thing, sir, like the way he explained us everything was superb. So, unka jo direction, like hum log ko to, like lots of things we have learned from him. To be honest, it's a perfect way to start our career. मतलब आप लोगों का कहना है कि जानकर बड़ी शांत थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अगर जोर से आवाज भी करूँ तो आप लोग डर जाएंगे. No, वैसा नहीं है. गलत मत समझिए. Just honestly, it was very surprising, क्योंकि वो पूरे सेट पे सबसे काम होते थे, and he was obviously being a director, he was the most passionate about the film. तो for a person to be so passionate and still remain so calm, I mean, I was just learning from watching him be like that. सनी, आपसे सवाल करना चाहेंगे सनी. पहली जो घायल देखी गई उस फिल्म में फैमिली ड्रामा था, साथ ही रोमांस था, गाने बहुत अच्छे थे, एक्शन था, क्या इस फिल्म में भी वो सारी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोमोज में हमें वो रोमांटिक सीन्स नहीं नजर आया. जब वो होता तो मैं उसका रीमेक कर रहा होता ना.
सो मैं रीमेक नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं ये पकड़ रहा हूँ कि आज 2015 में अजय मेहरा क्या कर रहा होगा और क्या उसकी सिचुएशन होगी इन द सोसाइटी. I'll just say कि मैं इतने सालों में I've been observing you, या फिर लोग कहेंगे कि आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो, but then you are the most calm person I feel like, you know, still very down to earth as a like a newcomer हो, so definitely that comes really on the screen पर, मतलब आप totally different हो जाते हो, तो I really don't feel like that कि you might be a strict person in fact, like, you know, that's what I'm feeling. What have you to say about this thing, like what keeps you? Nee, what so, keeps me, I don't know. I really don't know. That's the way I am. I just basically, I love work. And I want to enjoy my work. And I want the work to be brought across the in a right way. Or janta tak pahunchun, sab logo tak pahunchun. Or because knowing unknowingly, jab se maine shuru kiya hai, jo filme ki hai, wo logon ke dil mein abhi tak hai, kyunki usme kuch sachai thi, kuch ek कैरेक्टर्स अच्छे थे, रियल थे, और मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये इतने लोग उसके बारे में कहेंगे या इतना सक्सेस होगा, मुझे कुछ नहीं पता था. सो दैट्स द वे आई हैव बीन एंड दैट्स द वे आई वांट टू कैरी ऑन बिकॉज दैट्स व्हाट आई लव एंड रादर डू समथिंग व्हाट आई लव देन डू समथिंग व्हाट आई एम नॉट. सनी से यहाँ पर फिल्म में एक ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पर लोकल ट्रेन आ रही है और आपकी कार वहाँ से टकराते हुए जा रही है, तो वो सीन करने में कितनी डिफिकल्टी हुई थी आपको? देखिए क्या, दैट्स व्हाई वी हैव कॉल देम, वी हैव एक्शन, वी हैव एक्शन कोऑर्डिनेटर्स, वी हैव स्पेशल इफेक्ट गाइस, तो वो सब डिफिकल्टी होती है कि उस सीक्वेंस को करने में हमें कम से कम हफ्ता या 10 दिन लगे थे टू ऑर्गेनाइज इट एंड टू गेट इट टू दैट परफेक्शन, बिकॉज सब चीज़ें एक साथ की थी हम लोगों ने, एंड इवेंचुअली इट्स जस्ट वन शॉट एंड इट हैपेंड. ओके सर, और फ्यूचर में आपकी कोई अपनी फिल्म का दोबारा रीमेक, जैसे घायल को आप लेकर आए और कोई और फिल्म को दोबारा पर्दे पे उतारना चाहेंगे अपनी फिल्मों में से? देखिए इस फिल्म के ऊपर है, अगर ये फिल्म मुझे लगा कि मैंने जेन्युइनली आई कुड रीच आउट टू द पीपल एंड आई हैव जस्टिफाइड इट, देन डेफिनेटली आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ फिल्म जिनमें कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, सो दैट विल गिव मी एनकरेजमेंट टू ब्रिंग देम अक्रॉस, एंड आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट नहीं करूँगा. As long as I can get the soul to it. Sunny sir, hello. Congratulations for the promo. It's very like brilliant promo. And आपने बच्चों के साथ काम किया, जबकि हमारे यहाँ बहुत कम लोग बच्चों के साथ काम करने के लिए या यंगस्टर या टीनेज पर बेस ये है सर भी हिला रहे हैं, बहुत कम फिल्में बनती हैं. आपको क्या वजह लगती है, क्यों लोग बचते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. क्या आजकल वी आर ऑल बिकम वेरी कमर्शियल एंड हर चीज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन कितना पैसा आएगा, कितना बनेगा, उस हिसाब से चीज़ें बन रही हैं. कोई उस हिसाब से नहीं बन रही है कि मुझे ये कहानी पसंद है, आई वांट दिस टू बी मेड, बिकॉज वो ले कहानी पसंद उसे हो और लेकर जाया कि उसने बनानी नहीं, जब तक एक्स वाई जेड आर नॉट देयर इन इट और फिर बाकी और चीज़ें ना हो, देन द स्टूडियो विल वांट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स टू बी एडेड ऑन टू इट, तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है. तो इसी वजह से बच्चों की फिल्में या कुछ इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं. लेकिन बट आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग सिनेमा टू मच, बट देयर हैव बीन लॉट ऑफ यंगस्टर फिल्म्स कमिंग आउट, इफ यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम श्योर देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ देम कमिंग आउट. और उसके अलावा भी हम बूढ़े होकर भी हम लोग फिर भी टीनेज फिल्म करते हैं तो टीनेज तो कभी जाता नहीं है. सनी सर, तस्वीरें लीक भी हुई थी जब बैक रोड पे आप शूट वगैरह कर रहे थे, तो उन चीजों को कैसे आप ले रहे थे, क्योंकि आपकी कई तस्वीरें लोखंडवाला बैक रोड से? अभी देखिए इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज कितना मैं कोशिश करूं, जैसे हम लोग गाड़ी में भी जा रहे होते हैं तो कोई ना तो कोई आ जाता है बाजू में और फोटो खींच लेता है, एंड कुछ नहीं कर सकते आप. तो दिस इज द सोसाइटी, दिस इज हाउ वी आर लिविंग टुडे एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव अहेड विद इट, देन फाइट अबाउट इट एंड क्रिब अबाउट इट. एंड प्रमोशन पे आप किस तरीके से ध्यान देने वाले, मतलब एग्जैक्टली क्या होगा आपका? अभी आप मेरी टीम है, आप लोगों के साथ मैं बैठूंगा, कोशिश करूंगा क्या मुझे करना चाहिए, मैं वैसे ही लेके जाऊंगा, बिकॉज मैंने जेन्युइनली बहुत मेहनत की है इस फिल्म में और मैं चाहूंगा कि वो मेहनत आजकल जनता को स्क्रीन पर लाने के लिए बहुत जरूरी है, और दैट इज नॉट क्रिएटिव बट वी विल ट्राई एंड डू सम क्रिएटिव अबाउट इट. सनी सर इधर, सनी सर जिस तरह का माहौल आजकल देश में चल रहा है और आपने कहा कि आपकी जो फिल्म का लाइनअप है वो सिस्टम के खिलाफ है, तो आपको लगता है कि जो एक आम आदमी होता है वो आपके अंदर एक अक्स देखता है अपना, इसीलिए फिल्में आपकी पास में चली और ये फिल्म एक रीजन होगा वो चलने का? इट्स
इट्स बेसिकली जो मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं दे हैव बीन बेसिकली उस तरह के कैरेक्टर्स रहे हैं और ये फिल्म ये सिस्टम से कुछ लेन देन नहीं है जस्ट बेसिकली टू डू विद अस आवरसेल्व्स हम हर फैमिली हर तरह की फैमिलीज होती हैं सो मैंने इस फिल्म में अलग अलग तरह की फैमिलीज को पकड़ कर और सबका एक सोर पॉइंट पकड़ के फिर माँ के लेकर गया हूँ बेस्ट इज लेट द फिल्म रिलीज ना फिर मैं मुझे भी पता चलेगा कि मैं पहुँच पाया आप लोगों तक या नहीं पापा ने थोड़ी बहुत देखी है पूरी नहीं देखी क्योंकि कंप्लीटली रेडी भी नहीं है अभी और मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा टिल हैव ऑल माय स्पेशल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग रेडी तब दिखाऊंगा और आई एम श्योर पापा हैज ऑलवेज लव्ड व्हाटएवर आई हैव डन इवन इफ इट्स नॉट गुड हाँ जी देयर इज सोहा इन दिस फिल्म शी इज देयर डेफिनेटली देयर बट इट इज नॉट सी द ये कहानी आप लोग बोल रहे कुछ इस तरह की कहानी क्यों नहीं बनाते तो ये कहानी को अप्रिशिएट कीजिए जब आएगी फिर मुझे पूछिएगा क्यों नहीं है और क्यों है और क्या है सनी डू यू नॉट लुक इनटू सम इनपुट्स फ्रॉम पापा हैव यू गॉन अहेड एंड आस्क्ड हिम समथिंग आई एम बोर्न इन दैट हाउस सो फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स देयर हैज बीन लॉट ऑफ इनपुट्स इन कमिंग इन व्हिच वन डजंट हैव टू आस्क आई हैव ग्रोन अप लाइक दैट I'm full with inputs. Oh my God. Okay, guys, I think. Any more questions? The last question, anybody? I think that's a wrap. Thank you so much. Bhaiya. First and all, happy Diwali to all of you all and wish everybody all the best. All the viewers jo dekh rahe hain. And bas yehi keh raha hu ki for me, Diwali is bringing my promo out and then in Jan, I'll see you all again. Thank you.